हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अपडेट्स में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आईपीएल और क्रिकेट की न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। आरसीबी वर्सेस केकेआर हाईलाइट। बेंगलोर ने कलकत्ता को 3 विकेट से हराया। दिनेश कार्तिक ने चौका लगाकर दिलाई जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस आईपीएल में ये बेंगलोर की पहली जीत रही। पिछले मैच में उन्हें पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिनेश कार्तिक, सरफन रदरफर्ड और शाहबाज अहमद की पारियों के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स पर जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम 18.5 ओवर में 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में बेंगलोर ने 19.2 ओवर में 7 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने एक छक्का लगाकर बेंगलोर को जीत दिलाई। इससे पहले 129 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलोर ने एक वक्त 17 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद डेविड वेली और सरफन रदरफर्ड ने 45 रन और रदरफर्ड शाहबाज अहमद ने 39 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर बेंगलोर को जीत की दहलीज तक ले गए। रदरफर्ड 28 रन, वेली 18 रन और शाहबाज 27 रन बनाकर आउट हुए। ये फाफ डुप्लेसी की कप्तानी में बेंगलोर की पहली जीत भी है। पिछले मैच में उन्हें पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कोलकाता ने आंद्रे रसेल ने 25 रन और उमेश यादव के 18 रन की बदौलत 128 रन बनाए। रसेल के अलावा केकेआर का कोई बल्लेबाज 20 प्लस का स्कोर नहीं बना पाया। बेंगलोर के वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट झटके, वहीं आकाशदीप के 3 और हर्षल पटेल के 2 विकेट मिला।